टमाटर के दाम अचानक से आसमान छूने लगे हैं, और ऐसे में जो विक्रेता हैं वो अब सोच रहे हैं कि कैसे जो स्थिति दोबारा से काबू होगी, क्योंकि देखिए टमाटर तो मंडियों में आ रहा है लेकिन उठाव ना होने की वजह से मंडियों में माल देखिए आपको नज़र आ जाएगा, और अचानक से जो रेट बढ़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। ऐसे में बिक्री कितनी घटी है कितनी नहीं, आपका एक बार भैया नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हरिकेश। हरी जी, किस लगे लग रहा है कि किस तरह से टमाटर के दाम अचानक से बढ़े हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और क्या लग रहा है कि अभी और बढ़ेगा या नहीं? वो प्रकृति की मार है सर। अच्छा, प्राकृतिक की मार है, बरसात की वजह। बरसात की मार। अच्छा, लग रहा है कि अभी क्या रेट है और कितना बढ़ सकता है? अब आगे किसने देखा है। अच्छा, अभी कुछ कह सकते हैं कि अंदाजा? कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं कह सकते। अभी क्या रेट बिक रहा है? अभी वही बिक रहा है, अभी तो आज मैं लिया नहीं टमाटर। अच्छा। मेरा कलीगा पड़ा है। अच्छा, आज नहीं लिया। अपना बाजार बताना। आपका एक बार नाम जानना। शुभम नाम मेरा। तुम क्या कुछ लग रहा है कि क्यों आके टमाटर के दाम बढ़े हैं और क्या वजह लग रही है कि बढ़ेंगे और ज्यादा, या क्या कुछ रेट चल रहा है? बताया भाई ने प्राकृतिक बारिश हो रही है, इसकी वजह से अब क्या फसल कम हुई है उसकी वजह से। अच्छा, और टमाटर आज का बाजार 100 से 120 रुपए तक बिक रहा है। अच्छा, आज का रेट है। हाँ जी। और लग रहा है कि बढ़ेंगे यार? ठीक है, अब सुधार हो सकता है सरकार अगर। सुधार तो नहीं होगा। अच्छा, वो क्या हो तो ऊपर भी तेज ऊपर भी जा सकते हैं, तो 100-120 रुपए तो बाजार मान। ऊपर जाने का क्या वजह रहेगी? फसल की कमी है। अच्छा, और गर्मी है, तापमान है। अच्छा, इसी वजह से। अच्छा, अभी जो कह रहे हैं कि ट्रक जो पीछे के रुके हुए थे वो पहुंच रहे हैं, अभी और आने वाले समय में और भी महंगा होगा ट्रक, अगर महंगा आता है तो? महंगा जब पीछे महंगा बिकेगा तो यहाँ भी आके महंगा बिकेगा। अच्छा, सब कुछ असर पड़ जाती है जब अगर चीजें महंगी हो जाती है तो लोग खरीदना कम कर देते हैं, क्या कुछ होता है? खरीदना कम हो जाता है। अच्छा, और लोग वो पाव पाव सब खरीदते हैं। अच्छा, पूरे 1 किलो कभी नहीं। 1 किलो नहीं? नहीं नहीं। अच्छा, हाँ जी। देखिए और भी लोग हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या आप क्या करते हैं? मैं पलदारी करता हूं, मेरा नाम मुख्तार। अच्छा, लग रहा है पहले के मुकाबले अब कम बिक रहा है माल मंडी से टमाटर के? मंडी में माल ही नहीं आ रहा, तब बिकेगा ही कम। अच्छा, ऐसे भी गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है, इसको वजह से मंडी में माल कम आ रहा है। अच्छा, इसलिए से महंगाई बढ़ रहा है। अच्छा, तो टमाटर लग जो तो खरीद नहीं रहे? अभी खरीद नहीं रहा, मंडी में माल ही नहीं आ रहा तो खरीदेगा क्या? देखिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भैया टमाटर बहुत महंगा है भाई साहब। अच्छा, कितना महंगा? अरे 100-120 रुपए किलो चल रहा है अभी तो। पहले कितना था? पहले 10-20-30-40 रुपया। अच्छा, अब तो 120 रुपए किलो हो गया है, एकदम से बढ़ गया है टमाटर के रेट। भैया टमाटर कम है तो रेट बढ़ गया, कम है टमाटर। अभी और बढ़ेगा? और बढ़ते जा रहा है। अच्छा, आज तो कल था 1500, आज है 2100 रुपया। बिक्री कम हो गई है कि टमाटर की? बिक्री तो भैया कम है ये है। अच्छा, क्या करना चाहिए, कैसे कम होंगे, लग रहा है कि नहीं हो पाएंगे, क्या कुछ प्रशासन सरकार कुछ कहते भाई लगे? प्रशासन सरकार क्या करेगी, ऊपर ही से महंगा तो प्रशासन सरकार क्या करेगी इसमें? अच्छा, कोई रोक वोक लगता है कि कोई ऐसा कोई काला बाजारी तो नहीं कर रहा है कि एकदम से? इसकी काला बाजारी हो ही नहीं सकती भाई। अच्छा, रोक नहीं सकते ना टमाटर को ज़्यादा? ठीक है, सड़ जाए। इसे तो बैलेंस भी नहीं कर सकते आप, बाहर कोल्ड स्टोर में भी नहीं रख सकते, बाहर निकालोगे नरम हो जाएगा, पानी बन जाएगा सब। ठीक है, इसकी तो भाई काला बाजारी नहीं हो सकती। जो माल आएगा पीछे से तो और महंगा है, माल शॉर्ट है भाई, जहाँ पे माल है वहाँ पे बरसात हो रही है, बरसात की वजह से शॉर्ट पड़ा हुआ है। अब यहीं बरसात नहीं है, जहाँ से टमाटर आता है वहाँ तो बरसात है ही, तो बरसात की वजह से खराब हो गया टमाटर। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो बड़ी मंडी है, सब्जी मंडी डबुआ सब्जी मंडी फरीदाबाद के अंदर आती है, हरियाणा की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, और अलग अलग राज्यों से यहाँ पर जो है वो टमाटर आते हैं या तमाम जो सब्जियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँचती हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है मैं दिखाना चाहूँगा कि अलग अलग राज्यों से जो है यहाँ पर माल आया हुआ है, और अभी और जो मंडियों में पहुँचेगा जो किसानों के यहाँ से आएगा वो और महंगा होने की संभावना है। कहाँ से आया हुआ है ये माल, कहाँ का है ये? वहाँ का है, सुंदरनगर का है। अच्छा, हिमाचल का? हाँ। अच्छा, कितना रुपए आज माल यहाँ पर पहुँचा है? ये तो बिका भैया 1800-1700। अच्छा, 2000 तक तो और आगे महंगा होगा, माल ही नहीं है पीछे। अच्छा, तो और महंगा कर दिया जाएगा, उम्मीद तो लग रही है, और आगे जान सकते हैं ये भारतीय लोग जान सकते हैं हमें क्या, इतनी पता नहीं है बिकेगा अगर इतना महंगा लेंगे तो। बिक रहा है भैया? बिक रहा है क्या है, ग्राहक 100 रुपये किलो टमाटर नहीं खरीद पा रहा है इस समय। अच्छा, 100 रुपये किलो में बहुत महंगा है, किलो तो बजट से भाग है, किलो कहाँ खरीद पा रहा है, वही पाओ आधे किलो 10 के दे मांगते हैं। देख सकते हैं ये टमाटर जो है यहाँ पर
लेकर आया, 400 रुपए का बिक रहा है। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से अब महंगाई एकदम टमाटर पर पड़ी है। हालांकि टमाटर ही नहीं बल्कि और भी कई सब्जियां हैं जो महंगी हो चली हैं इस बरसात की वजह से। दूसरा कारण यह भी है कि इस बार किसानों ने जो टमाटर है वो कम उगाया है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ सरकार इसमें सेव कर पाती है या फिर ऐसे ही टमाटर के दाम बढ़ते रहेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेक 24/7 न्यूज़। नमस्कार।